सो ही गाइस गुड मॉर्निंग। और आज आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम लोग का चैनल भाई मोनेटाइज हो चुका है। मतलब मोनेटाइज अभी एकदम कम्प्लीट नहीं, बट रिव्यू में गया है चैनल, यानी कि हमारा सारा क्राइटेरिया पूरा हो चुका है। तो मैंने रिव्यू के लिए भेज दिया चैनल को, एक दिन के अंदर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर नोट छापने की मशीन बना देंगे हम लोग, ब्लॉग्स बना बना के। बाकी सकते हैं हमारे सभी फिश पॉन्ड सबको ने ढक रखा, क्योंकि भाई बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है। आपको पता ही होगा, मैंने बताया है, अभी सुबह भी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, तो सबको ढका हुआ है मैंने। और अभी देख लेते हैं, आज अभी मैंने फीड भी नहीं किया है, तो अभी हटा के देखते हैं। उसके बाद फिर मैं ढक दूंगा, क्योंकि अभी कोई मौसम में कुछ कह नहीं सकते, कभी भी फिर से बारिश हो सकती है। और इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें आपको पता होगा मैंने मौली फिश के फ्राइज निकाले थे, और अभी एक मौली फिश और प्रेग्नेंट है, तो हो भी सकता है और भी इसमें फ्राई मिल जाए। तो अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा, एक सॉटल भी प्रेग्नेंट है आपको इधर छुपी हुई है। तो फिलहाल तो अभी कोई फ्राई नहीं दिख रहा है। और इसमें देखते हैं, इसमें भी हमारी मौली फिशेस हैं, तो इसमें भी कोई फ्राई नहीं दिखने को मिल रहा है। बाकी हम इसको भी ढक के देख लेते हैं। तो ये देखो भाई, हमारे मौली और गप्पी फिश के फ्राइज, ये भाई एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, और ये लोग बहुत मस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी हम इनको देख लेते हैं, हमारे गप्पी फिशेस, तो ये भी भाई ठीक है, कलर इनका अच्छा हो रहा है, बट अभी तक इन लोगों ने ब्रीड नहीं किया है। बाकी फीमेल्स लोड होती जा रही हैं धीरे धीरे, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, अराउंड 1 मंथ के अंदर तो भाई देखने को मिल ही जाएगा। बाकी ये देखो, ये हमारे मौली फिश, और गाइस इसमें एक मौली फिश के फ्राई की डेथ हो गई है, वो देखो पड़ा हुआ है। तो अभी तो भाई मौसम थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, देखो इसके नीचे छुपे हुए थे इतने सारे। तो भाई मौसम चेंज होने के कारण भाई इसमें मौली फिश की डेथ हो रही है। वाटर टेम्परेचर तो ठीक है भाई, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, और इसीलिए मैं भाई गप्पी फिशेस को भी ढक के रख रहा हूँ। इसका तो पानी हल्का गर्म ही है क्योंकि ढकने की वजह से। और मैं भी कंप्लीट वो बताऊँगा कि किस तरीके से गप्पी फिशेस का केयर करते हैं, तो इस चैनल पे वीडियो आएगी, स्टे ट्यून। और इधर गाइस है हमारा, ये देखिए, ये है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस। तो ये देखो कटिंग से लगाया हुआ है इसमें, और ये बहुत ही अच्छा टाइम है लगाने के लिए, मतलब इसी मॉनसून में लगाना है। ये देखो कितने अच्छे से इसमें चल रहा है, इसमें लगाया गया है। और कभी भी जब आप कटिंग लगाएं तो आप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखें, मतलब सनलाइट की ज़रूरत होती है बट डायरेक्ट मत रखिए। आप हमेशा किसी ऐसे जगह पर रखें जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट ना पड़े, उसकी ब्राइट रोशनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है। बाकी हमारे पास ये देखिए, ये कटिंग है, और एक इधर सब कटिंग रखे हुए हैं, तो ये सब इनको लगाना है। तो अभी मैं लगाऊंगा इनको, और इनको जब भी लगाएं तो ऐसे मौसम में लगाएं जब मानसून हो, मानसून में कटिंग के मतलब चलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये देखिए, ये ब्राउन वुड स्टिक है, यानी कि ये पूरा भूरा है, और ये जैसे इधर देख रहे हैं ग्रीन। तो कभी भी ऐसे स्टिक्स ना लगाएं कटिंग के लिए, हमेशा ऐसे दमदार स्टिक लगाएं जो पूरे लकड़ी टाइप का बन चुके होंगे। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ये लिया है, ये थर्माकोल वाला ग्लास है, आप कांच के ग्लास भी ले सकते हैं। और जब भी आप ग्रो करें तो आप या तो आप पानी में ग्रो कर सकते हैं, तो आप सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। तो मैं पानी से पहले इसका रूट जर्मिनेट करूँगा इसमें से। और ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास लेने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें से लाइट आराम से पास हो जाती है, चाहे आप कांच का ले लीजिए चाहे थर्माकोल का ले लीजिए। तो इसमें से मतलब लगाने से पहले हल्का सा हम लोग को इसको यहाँ से छीलना पड़ेगा किसी से, ताकि रूट डेवलप होने में आसानी हो। तो चलिए मैं आपको इसको छील के दिखाता हूँ और इसको निकाल के दिखाता हूँ। सो गाइस, पानी में डालने से पहले हम लोग को इसके हरे वाले पार्ट को कट कर देना है। किसी भी चीज़ से आप कट कर सकते हैं, चाहे आप शार्प सीजर ले लें, या फिर किसी चाकू से, या फिर ब्लेड से। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग को छील देना है इसको। देखिए मैंने छील रहा हूँ इसको, छीलने से ये होगा कि रूट जर्मिनेट होने में आसानी से हो जाएगा। और बहुत से लोग नीचे एलोवेरा का जेल, तो वो नहीं लगाना है, क्योंकि एलोवेरा का जेल चिपचिपा होता है, तो उससे फंगस भी बन सकता है, तो इसीलिए। और मैं पहले बता दे रहा हूँ गाइस, मैं कोई एक्सपर्ट गार्डनर नहीं हूँ, मैं खुद एक बिगनर हूँ, तो मुझे भी इतना नहीं पता, मैं भी इंटरनेट से देख देख के जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। बस मेरा शौक था गाइस कि मुझे टेरेस गार्डनिंग करनी है, तो डेट्स वाई इसलिए मैं अब ये सब भी डाल रहा हूँ। और हम लोग बहुत जल्द धीरे धीरे करके बना देंगे अपने टेरेस पे गार्डन अच्छा सा, क्योंकि देखो भाई गार्डनिंग करने में पैसे भी लगते हैं। आप नए नए पौधे लेके आएंगे तो पैसे तो लगेंगे ही।
और अब पैसों की दिक्कत नहीं होने वाली गाइस चैनल, अब क्योंकि पता है मोनेटाइज हो गया है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, बट धीरे धीरे करके कुछ तो सोर्स होगा ही जहाँ से आएगा थोड़ा बहुत। तो मैंने ये गाइस इसको देखिए शार्प कर लिया है, अब इसको मैं पानी भी डाल देता हूँ ऐसे। और अभी हम लोग के पास और भी है, और भी ले लेते हैं। तो हमने क्या है सभी कटिंग्स को लगा दिया, अब इन लोगों को मुझे रखना है थोड़े दिन के लिए शेड में, जब तक इसमें रूट डेवलप नहीं होता है। तो कुछ दिन लग जाएगा रूट डेवलप होने में, लगभग 2 से 3 हफ्ता, और तब इसमें काफ़ी अच्छा रूट आ जाएगा। देन मैं इसको प्लेस करूँगा अच्छे से पॉट में, तो यहाँ पर ज़्यादा सही है आप कभी शेड में रखें, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। तो यहाँ पर अच्छे से प्लेस कर दिया है, और हर हफ्ते में इसका पानी चेंज करते रहेंगे ताकि इसमें ग्रीन कलर वाला एल्गे ना बने। बाकी आप इस प्लांट को देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है छोटे से क्लास में, और अब इसमें से और अच्छे से रूट डेवलप हो जाए तो लीव्स और बड़ी हो जाएंगे, तब मैं इसको बड़े से पॉट में प्लांट करूँगा। देख सकते हैं काफ़ी मोटा सा इसका स्टम है, तो जब भी आप लगाए इतना मोटा ही लेके आए। इसको भी यहाँ रख देते हैं, और प्लांट्स का अपडेट तो आता ही रहेगा चैनल पर। बाकी आप ये देखिए, ये हमारा रियो का प्लांट है, मैंने बहुत छोटा सा लगाया था तो इतना बड़ा सा हो गया, देख लीजिए। बाकी गाइस ये हमारा लोटस का प्लांट आपको पता ही होगा, अभी टेम्परेली इसमें लगा रखा है इस टब में, और दूसरा हमारा इस बाल्टी में लगा हुआ है, देख सकते हैं छोटा सा फ्लावर भी, अभी फ्लावर खिला नहीं है तो इस लोहे की बाल्टी में लगा है। और थर्ड प्लांट जो कि मेरे पास बहुत पहले से है वो ये है, देख लीजिए काफ़ी अच्छे से इसमें ग्रो हो रहा है, और हमेशा एलगे साफ करते रहिए, देखिए एलगे जम जाता है इसमें। बाकी ये हमारा गप्पी ग्रास है, इसी में उग गया है गप्पी ग्रास, तो इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। और कुछ दिनों में गाइस ये सब लोटस को निकाल के इस ड्रम के अंदर कर दूंगा मैं, ताकि और अच्छे से ग्रो हो, या फिर किसी सीमेंट पॉट में ग्रो करेंगे। और अभी गाइस मैंने अपनी फिशेज को फीड भी नहीं किया, तो अभी इनको फीड भी करना है, और आज गाइस मैं इनको फीड करने वाला हूँ एग योक। तो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ एग योक, और आज मैं फर्स्ट टाइम फीड करने जा रहा हूँ इन फ्राइज़ को। मैंने अभी से पहले इनको फ्राइज़ को कभी भी फीड नहीं किया एग योक, और देखते हैं इनका रिएक्शन। तो मैंने इस एग योक को फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि मैं जिस दिन लेके आया था उस दिन नहीं फीड किया था, आज फीड करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने ले लिया है, और डाल लेते हैं पानी में। तो देख सकते हैं लोग कैसे खा रहे हैं, और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं भाई, देख सकते हैं पूरा भीड़ लगा दी। थोड़ा सा और दे देता हूँ मैं ताकि लोग अच्छे से खा सके। तो ये लो, और हफ्ते में एक बार ज़रूर से फीड करें एग योक, डेली ना फीड करें, डेली फीड करने से आपका पानी का क्वालिटी ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से लोग खा रहे हैं, बस और दे देता हूँ कि कुछ फिशेस नहीं रह पाई हैं तो उनको भी अच्छे से पहुँचाना है। और एग योक को यूज़ करने से भाई आपके पानी में थोड़ा सा स्मेल आ सकता है, मैं पहले ही आपको वॉर्न कर दे रहा हूँ, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, आप उस पानी को चेंज कर सकते हैं बाद में। बाकी हमारी थोड़ी सी गप्पी भी उसको दे देते हैं, ये हमारी गप्पी विशेष तो फीड करते हैं। तो ये देखिए लोग ने भी खाना शुरू कर दिया है, और अब बारी हमारे मौली फिशेस को फीड करने का। तो इधर हमारी मौली फिशेस को भी फीड कर देते हैं, इसमें फीड कर दिया। बाकी और हमारे बलून मौलीस इनको भी फीड करना है, देन फिर हमारे नीचे जो ऑस्कर्स हैं और सिगलेट उनको भी फीड करना है, तो उनको भी फीड करेंगे। तो इधर है हमारा शॉर्ट टेल, इधर थोड़ा सा डाल देते हैं, और थोड़ा इधर डालते हैं, ये हरते भाई लोग हाइट की रहती, तो देख सकते हो हमारी फिश ने खाना शुरू कर दिया है। ये काफ़ी अच्छा सोर्स है प्रोटीन को, पता होगा कि कितना प्रोटीन है, और फिशेस बहुत इंजॉय करती हैं। आप फिश के फ्राइज को भी फीड कर सकते हैं, देखिए इसमें भी मौली फिश ने खाना शुरू कर दिया है, और इधर तो खा ही रहे हैं, थोड़ा सा और फीड करते हैं इन लोगों को। अच्छे से आप ऐसा करके फैला के दीजिए ताकि अच्छे से फैल सके और लोग खा सकें। तो ये देखिए कैसे खा रहे हैं लोग, और थोड़ा सा हम लोग आज बलून वाले के फ्राइज़ को फीड करेंगे। तो देखिए ना लिक्विड फॉर्म में कर दिया ऐसे करके, तो आप इस तरीके से फैला सकते हैं और लोग खा लेंगे। देखिए मैंने फीड कर दिया इन लोगों को, और हमारी मौली फिश भाई काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। तो अभी इतना एग योक बच चुका है, थोड़ा सा और इनको फीड करते हैं, क्योंकि इसमें फिशेस की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए तो अच्छे से फैला देना है। देखिए और ये है गाइस हमारी रेड टेल अल्बाइनो रेड टेल गप्पी, तो इनको भी ब्रीड कराना है।
तो अभी गाइस इतना बच चुका है, तो इसको हम लोग नीचे जाके अपने प्लांटेड टैंक में जो फिशेस हैं उनको फीड करेंगे। उसके बाद फिर हमारे सिकलेट फिश को फीड करेंगे, बाकी हम लोग गोल्ड फिशेस को वही नॉर्मल ऑप्टिमम का मिनी पैलेस देंगे। तो ये गाइस हमारे सिकलेट से देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, और अब इनको हम लोग फीड करते हैं एग योक। वैसे तो मैं इनको बहुत सारे वैरायटी का खाना खिलाता हूँ, जैसे ड्राई श्रिम्प हो गया, या फिर इनको पैलेट्स भी खिलाता हूँ, ट्यूबिफिक बॉम्ब्स और चिकन हार्ट भी। देखिए कैसे खा रहे हैं लोग, थोड़ा थोड़ा इनमें फीड करेंगे ताकि मच्छर खा सके। ये देखिए ये और आप कभी भी गैस ओवर फीडिंग मत करें फिशेस को, बहुत ही ज़्यादा हार्म हो जाता है। तो इतना है इनके लिए काफ़ी है, अच्छे से इन लोग खा लेंगे। बाकी मेरे पास कुछ ड्राई श्रिम्प है, ये देख सकते सूखे हुए झींगे मेरे गांव से आए थे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला। अभी और भी है मेरे पास, मैंने बस इसमें थोड़ा सा खिलाने के लिए डाला था टेस्ट करने के लिए। तो लोग काफ़ी चीज़ें खा रहे थे। और बाकी ये गाइस हमारे इसमें फीमेल बेटा फिश, और मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस इसमें अकेले से फीमेल बेटा और वो एग बना रही है, तो क्या हो सकता है, क्या ये कैसा साइन है, क्या ये ब्रीड के रेडी हो चुकी है, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले बेटा फिश को ब्रीड नहीं कराया। तो हम तो इसको भी फीड कर देते हैं, अगर आपको पता तो ज़रूर से बताइएगा। तो हमारी फीमेल बेटा भी इंजॉय कर रही है योग को। बाकी थोड़ा सा और डाल देते हैं, तो अपना हैंड ही डाल दे रहा हूँ। और अभी तो हमारी भाई फिशेस छोटी हैं ऑस्कर, तो हम लोग हैंड डाल सकते हैं, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो भाई हाथ नहीं डाल सकता। आपको पता कितना अटैक करने आती है फिशेस। तो बस ऐसा आज का इतना ही, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की रीच अच्छी बढ़े। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, और मेरा मेन चैनल है गाइस उसको जरूर से सब्सक्राइब करिए, उस पर हम लोग बहुत सारी वीडियोज़ बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।